हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लाज्मोलिसिस। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, बेसिकली दैट इज द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। इसी में मैंने आपको लास्ट टॉपिक कल के लेक्चर में बताया था, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है। इसी के सीक्वेंस में हम लोग जो हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। और तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक समझते हैं प्लाज्मोलिसिस। देखिए, प्लाज्मोलिसिस टर्म से आप क्या समझते हैं? प्लाज्मोलिसिस का मतलब होता है कि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सपोज ये कोई सेल है, इसके अंदर कुछ कंटेंट्स होंगे, ठीक है। मान लीजिए मैंने ये येलो कलर यूज कर लिया, इनके कंटेंट को मैंने ऐसे ऐसे कर दिया, ठीक है। जब प्लाज्मोलिसिस होगी, इसका मतलब ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये रप्चर होगी, ठीक है। ये मेम्ब्रेन रप्चर होगी और जो इसका कंटेंट है वो बाहर आ जाएगा। कंटेंट का बाहर आना मतलब ब्रेकडाउन, इस तरीके से ये कंटेंट जो है बाहर आ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे प्लाज्मोलिसिस करानी थी तो मैंने क्या करा, तो पूरी सेल ही चली गई है, तो मैं वापस करती हूँ। बस आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से गैप दिखा देना है ताकि ये जो कंटेंट बाहर जा रहा है, ठीक है। प्लाज्मा, प्लाज्मोलिसिस का मतलब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, जो सेल मेम्ब्रेन थी, वो रप्चर हो गई और सेल का कंटेंट बाहर चला गया। तो बहुत जाहिर सी बात है कि जो प्लाज्मोलिसिस होगा तो सेल कौन सी कंडीशन में चली जाएगी, फ्लैसिड। फ्लैसिड का मतलब सेल ने अब सारा पानी का कंटेंट अपना लॉस कर दिया है, मीन्स टर्जिडिटी उसकी लॉस हो। ओके, तो जो बिहेवियर ऑफ प्लांट सेल विद रिगार्ड टू द वॉटर मूवमेंट, अगर हम लोग वॉटर मूवमेंट की बात करें, ये डिपेंड करेगा सराउंडिंग का सॉल्यूशन कैसा है। अगर एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंस कर रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ साइटोप्लाज्म, तो हम उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मतलब सेल के अंदर का कंसंट्रेशन, बाहर का कंसंट्रेशन दोनों बराबर। इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंसेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ साइटोप्लाज्म, दिस इज कॉल्ड आइसो। आइसो का मतलब ही होता है स्टूडेंट सेम। ओके, सो इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर डायल्यूट देन साइटोप्लाज्म, अगर एक्सटर्नल जो सॉल्यूशन है, सपोज ये सेल है, बाहर का जो सॉल्यूशन है वो ज्यादा डायल्यूट है, मीन्स कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। तो बाहर की सेल कंसंट्रेशन कम है, अंदर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोल देते हैं हाइपोटोनिक। अगर सेल के अंदर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर का कम है, तो ये सिचुएशन। अगर अंदर के सेल का कंसंट्रेशन कम है, बाहर का ज्यादा है, तो सेल कंडीशन कहलाती है हाइपरटोनिक। आप सेल के बाहर की कंडीशन से याद रखेंगे, यदि ज्यादा है तो हाइपरटोनिक, यदि कम है तो हाइपरटोनिक। ओके, तो जो सेल है वो स्वेल कर जाएगा हाइपरटोनिक कंडीशन में, क्योंकि आपको पता है मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन होगा, और श्रिंक कर जाएगा इन हाइपरटोनिक। तो आप याद रखेंगे, हाइपो का मतलब बाहर कंसेंट्रेशन कम है, अंदर कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो मूवमेंट क्या होगा, यहाँ पे बाहर का कंसंट्रेशन कम है, हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक है, तो यहाँ पे सेल में स्वेलिंग आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अंदर की ओर आना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्वेलिंग होगी। आप याद रखेंगे कि हाइपोटोनिक के केस में, ठीक है, हाइपोटोनिक में क्या होगा, स्वेलिंग होगी, और हाइपो में स्वेलिंग होगी, और हाइपर में श्रिंकेज। हाइपर में क्या होगा, बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, आप अंदर के कंसंट्रेशन से देख लीजिए, या तो भाई देखिए, हाइपोटोनिक में बाहर का कंसंट्रेशन कम मैंने बताया, ठीक है, अंदर का कंसंट्रेशन डाइल्यूशन ज्यादा है, मतलब कंसंट्रेशन कम है इसका मतलब बाहर डाइल्यूशन ज्यादा है, अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है इसका मतलब डाइल्यूशन कम है। चाहे आप इस टर्म्स में इसको समझ लीजिए, आपको याद रखना है कि हाइपो कंडीशन में क्या होगा, सेल में स्वेलिंग आएगी, ठीक है, और हाइपरटोनिक में सेल में श्रिंकेज। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, जो प्लाज्मोलिसिस होती है वो अकर होती है व्हेन वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल, जब पानी सेल के बाहर जाएगा, एंड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल श्रिंक्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल, एंड दिस अकर्स व्हेन, देखिए कब होगा, सेल देखिए प्लाज्मोलाइज्ड किस कंडीशन में कहलाएगी, सेल की प्लाज्मोलाइज्ड जो कंडीशन है वो कुछ इस तरीके की है कि देखिए, प्लाज्मोलिसिस मतलब ये कंटेंट अंदर का जो है वो बाहर पानी जा रहा है, फ्लैसिड और टर्जिड कंडीशन, टर्जिड में पानी अंदर आएगा और यहाँ पे पानी बाहर जा रहा है, ठीक है। तो हाइपरटोनिक का मतलब क्या होता है, टोनिसिटी ज्यादा है, इसका मतलब उसके पास सॉल्यूट ज्यादा है, जो ज्यादा सॉल्यूट होगा उसमें डायल्यूशन कम होगा,
आप याद रखेंगे कि जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूट है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डाइल्यूशन के। अगर आप सॉल्यूट को बढ़ाते जा रहे हैं, तो आपका डाइल्यूशन अपने आप कम होता जाएगा, ठीक है? तो वाटर मूव्स आउट, इट इज द फर्स्ट लॉस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड देन फ्रॉम द वैक्यूल, एंड द वाटर व्हेन ड्रॉन आउट ऑफ द सेल थ्रू द डिफ्यूजन इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कॉजेस प्रोटोप्लाज्म टू श्रिंक अवे फ्रॉम द वॉल्स। और इस सेल को हम लोग प्लाज्मोलाइज्ड सेल बोलेंगे। जब मूवमेंट वाटर का होगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूविंग फ्रॉम एरिया ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल टू एरिया ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल आउटसाइड द। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है यहाँ पे कि व्हाट ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन द सेल वॉल एंड श्रंकन प्रोटोप्लाज्म इन द प्लाज्मोलाइज्ड सेल। देखिए आपको सिंपल सा एक टर्म याद रखना है कि जब सेल ने अपना सारा पानी लॉस कर दिया है, व्हेन वाटर फ्लोज इनटू द सेल एंड आउट ऑफ द सेल आर इन इक्विलिब्रियम द सेल इज सेड टू बी फ्लैसिड। सेल का जो जो वाटर है वो बाहर जितना जा रहा है अंदर जितना आ रहा है फ्लैसिड कंडीशन में, नेट गेन कुछ भी नहीं है, ठीक है? द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस जो है वो रिवर्सिबल है व्हेन द सेल्स आर प्लेस इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक का मतलब हायर वाटर पोटेंशियल। हाइपोटोनिक की कंडीशन मैंने बताई थी, बाहर का कंसंट्रेशन कम है, बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है और मतलब कि वाटर का पोटेंशियल ज्यादा होगा। और डायल्यूट सॉल्यूशन, चाहे आप डायल्यूट सॉल्यूशन बोलें चाहे आप वाटर पोटेंशियल ज्यादा बोले, बात एक ही है एज कम्पेयर टू द साइटोप्लाज्म। वाटर डिफ्यूजेस इन टू द सेल और इसकी वजह से साइटोप्लाज्म बिल्ड करेगा एक प्रेशर जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर। एंड द प्रेशर एग्जर्टेड बाय प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू द एंट्री ऑफ वाटर। जब वाटर मॉलिक्यूल की एंट्री होगी तो प्रोटोप्लाज्म क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा रिजिड सेल वॉल के अगेंस्ट, उसको हम लोग प्रेशर पोटेंशियल बोलते हैं और साई पी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। बिकॉज इनकी रिजिडिटी की वजह से सेल जो है यहाँ पे रप्चर नहीं होगी, दिस टर्गर प्रेशर इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनलार्जमेंट, ठीक है? तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्लाज्मोलिसिस। कल का हमारा लेक्चर होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इम्बिबिशन के बारे में कि इम्बिबिशन क्या होता है। आज का कंटेंट लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, प्लाज्मोलिसिस और डीप्लाज्मोलिसिस। इसके बाद हम लोग कल के क्लास में इम्बिबिशन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू माई डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।